शिक्षा के अधिकार कानून के अंतर्गत प्रत्येक विद्यालय में गुणवत्ता शिक्षा प्रदान करने का सरकारी प्रावधान है, लेकिन जिला कैमूर प्रखंड भगवानपुर पंचायत तोड़ी गांव देवा ऐसा गांव है जहां गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तो दूर यहां विद्यालय ही नहीं है, जिसे देश के भविष्य कहे जाने वाले यहां के 120 बच्चे का भविष्य अंधकार में है। आइए हम जानते हैं यहां के समुदाय से इस समस्या के बारे में। यह समस्या विद्यालय का है, हम लोग का विद्यालय यहाँ पर नहीं है। स्कूल नहीं रहने से बच्चों लोग का दिक्कत हो रहा है, पढ़ाई नहीं हो रहा है, शिक्षा से लोग वंचित है, इधर उधर जंगल में घूम रहे हैं। हम लोग चाह रहे हैं कि बच्चा लोग यहाँ पर पढ़े। यहाँ से कितना दूरी पर स्कूल है? यहाँ से कम 5-6 किलोमीटर दूर। स्कूल रहने से क्या दिक्कत होता है? दूर स्कूल रहने से बच्चे नहीं जा पाते हैं स्कूल। हम लोग चाहते हैं पर विद्यालय बने। ये कितने दिनों से यहाँ पर समस्या चल रही है? समस्या 2010 में यहाँ करीब 300 जनता यहाँ पर प्रभावित है। यहाँ विद्यालय से लेकर के और यहाँ के कमेटी को लेकर विद्यालय नहीं होने की वजह से जो है कि इधर उधर घूम रहे। विद्यालय होता तो विद्यालय में पढ़ते। हम चाहते हैं कि यहाँ के पूरा जनता चाहती है कि यहाँ एक विद्यालय बने, सरकार के माध्यम से सरकारी विद्यालय हो, उसके आपस में चंदा करके यह जो झंडा फहराया जा रहा है, राष्ट्रीय त्यौहार मनाया जा रहा है। पहले आज हम लोग 10 साल से झंडा फहराते आ रहे हैं, अगले 2021 के 26 जनवरी को हम लोग झंडा फहराए थे, जो न्यूज वाले आए थे, पत्रकार लोग आए थे, पेपर में छापे, जिसके माध्यम से यहाँ अफसर लोग भी आए थे। और झंडा तोलन क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि झंडा तोलन कम से कम होगा तो ज़रूर स्कूल आएगा, क्योंकि हम लोग देश के साथ में हैं। भले जंगल में हैं, हम हर चीज़ से दूर हैं, हमें कोई भी विकास नहीं मिल पाता है, लेकिन हम ये जानते हैं कि हम भी इसी देश के रहने वाले हैं। क्या फरा करके त्यौहार मनाते हैं, हम लोग भी आपस में सारे लोग मिलकर के त्यौहार के रूप में मनाते हैं, ताकि त्यौहार देखने के बाद भी हमारे लिए यहाँ पे सुविधा विद्यालय का हो, सरकारी विद्यालय हो, ताकि सरकारी स्थान पे हम लोग झंडा फहराएं, हमको शिक्षा मिल सके। इस गांव में स्कूल की सख्त आवश्यकता है और यहाँ के लोग दक्षता के साथ उसमें लगे हुए हैं कि किसी की हिम्मत पड़ेगा स्कूल। अगर यहाँ स्कूल नहीं आता है तो गरीब के बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे। स्कूल यहाँ से इतना दूर है कि छोटे छोटे बच्चे वहाँ पहुँच नहीं पाते। और मैं मुखिया होने के नाते मैं प्रयास करूँगा, डीएम से लेकर वीडियो अगर इन लोगों का साथ अगर मुझे मिला, मैं अवश्य प्रयास करूँगा। आपको क्या लगता है कि यहाँ पर कितना वक्त लगेगा स्कूल बनाने में? देखिए, ये तो सरकारी योजना के ऊपर निर्भर करता है। हम लोगों का काम है प्रयास करना। प्रयास यही रहेगा कि 1-2 साल के अंदर में ही स्कूल यहाँ बन जाए। यहाँ के बच्चे तो पढ़ ही नहीं पाते। बरसात के दिन में नाला जो है उफान पर होता है, जलधारा इतना तेज होता है, अभिभावक नहीं पार कर पाते हैं और छोटे छोटे बच्चे कहाँ। शिक्षा से बिल्कुल वंचित है। गरीब के बच्चे जो जहाँ स्कूल नहीं है वहाँ खेलते कूदते अपना समय बिता लेते हैं किसी तरह से, और गार्जियन मजबूर है कि स्कूल ही जब नहीं है तो बच्चे को भेजेंगे कहाँ। जो लोग हमारे वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। मैं ममता देवी, सामुदायिक संवाददाता, जिला कैमूर, बिहार से इंडिया अनहर्ड के लिए।